लोकनाथ सिंह जी, ऊर्जा मंत्री श्रीमान श्रीकांत शर्मा जी, जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, बाल विकास और पुष्टाहार विभाग की मंत्री श्रीमती स्वाति सिंह जी, काशी से जुड़े हुए प्रदेश सरकार के नगर विकास, स्वास्थ्य, पर्यटन, खेलकूद, पशुधन और पंचायती राज के मंत्रीगण, प्रशासनिक अधिकारीगण, मैं प्रदेश सरकार की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दीपावली के पूर्व काशी वासियों को दी जाने वाली सौगात के लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हुए हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। काशी की पुरातन काया को एक नए कलेवर के साथ वैश्विक मंच पर स्थापित करने के लिए पिछले 6 वर्षों से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो भी विकास की योजनाएं अलग अलग क्षेत्रों में वहां पर प्रारंभ हुई, आज उसने काशी को वैश्विक मंच पर एक नई पहचान दिलाई है। मेरी काशी के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के भावनात्मक संबोधन ने न केवल काशीवासियों को अपितु प्रदेश और देशवासियों को एक नया अपनत्व का भाव दिया है। वैश्विक महामारी के दौरान पूरे देश को जो योग्य मार्गदर्शन और प्रेरणा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दी, अपने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तमाम व्यस्तताओं के बावजूद काशीवासियों के साथ निरंतर संवाद के माध्यम से जो एक संबल समय समय पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी प्रदान करते रहे, आज उसका परिणाम है कि वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान भी काशी ने और प्रदेश ने विकास की इस यात्रा को कहीं भी थमने नहीं दिया है, रुकने नहीं दिया है। मैं आज के इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में विगत 6 वर्षों के दौरान काशी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 8,442,65,00,000 रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण का कार्य संपन्न किया है। 614 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम काशीवासियों को देने जा रहे हैं। 200 करोड़ से अधिक की परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, लेकिन क्योंकि यहां पर विधान परिषद की कुछ सीटों के लिए चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण उन परियोजनाओं का इस समय लोकार्पण नहीं हो पा रहा है। 8,900 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं वर्तमान में काशी के विकास को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में केंद्र और प्रदेश सरकार की परियोजनाएं काशी में चल रही हैं, जो आगामी कुछ महीनों के अंदर पूरी होने जा रही हैं। यानी अब तक काशी के लिए 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काशी के विकास के लिए दिया है। और ये कहा जा सकता है कि आज़ादी के बाद का काशी के लिए भौतिक विकास की इतनी परियोजनाएं जिन्होंने काशी को एक नए रूप में प्रस्तुत किया है। काशी विश्वनाथ धाम आज जिस रूप में आगे आ रहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता और भारतीय परंपरा और सांस्कृतिक वैभव को वैश्विक मंच पर किस रूप में हमें प्रस्तुत करना चाहिए, उसका एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत होने जा रहा है। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से दीपावली के ठीक पूर्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने तमाम व्यस्तताओं के बावजूद काशी के विकास के प्रति जो अपना मार्गदर्शन और प्रेरणा के लिए आज समय एक बार फिर से हमें प्रदान किया है, मैं इसके लिए आभार व्यक्त करते हुए आज के इस अवसर पर एक बार फिर से काशी के विकास की लोकार्पण और शिलान्यास से जुड़ी हुई 600 करोड़ रुपये से अधिक की इन परियोजनाओं के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए प्रदेश सरकार की ओर से काशीवासियों की ओर से उनका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब इस अवसर पर काशी की विभिन्न परियोजनाओं पर बनी एक वीडियो फिल्म के प्रस्तुतिकरण हेतु अनुरोध करूंगा।
धर्म आध्यात्म और संस्कृति की नगरी काशी, धर्म आध्यात्म और संस्कृति की नगरी काशी निरंतर विकास पथ पर अग्रसर है। काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा और संकल्प से काशी में विकासोन्मुख परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। 118 करोड़ 20 लाख की लागत से IPDS योजना के दूसरे चरण में 7 रूट पर 11 केवी लाइनों, LT लाइनों एवं सर्विस लाइनों को भूमिगत करने का कार्य एवं स्मार्ट प्रकाश व्यवस्था के कार्य 23 करोड़ की लागत से पूर्ण। गंगा एक्शन प्लान के तहत STP एवं पंपिंग स्टेशन के पुनरुद्धार का कार्य 19 करोड़ 8 लाख की लागत एवं लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट पर 9 करोड़ की लागत से 2 पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिज का निर्माण भी संपन्न। 8 करोड़ 76 लाख की लागत से डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम के आवासीय परिसर, चेंजिंग रूम, पार्किंग स्थल के नवीनीकरण के कार्य एवं 7 करोड़ 89 लाख की लागत से 105 आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण, 7 करोड़ 88 लाख की लागत से सारनाथ में लाइट एंड साउंड शो का निर्माण, रामनगर के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल का उच्चीकरण पूर्ण किया जा चुका है, 6 करोड़ 26 लाख की लागत से 102 गौ आश्रय केंद्र का निर्माण, 4 करोड़ 58 लाख की लागत से 250 से अधिक आबादी वाले 16 ग्रामों की सड़कों का नव निर्माण, 3 करोड़ 25 लाख की लागत से सर्किट हाउस के समागार का सुंदरीकरण भी पूर्ण, 1 करोड़ 99 लाख की लागत से केंद्रीय कारागार की बाउंड्री वॉल का निर्माण भी, नकटेश्वरी भवानी मंदिर में पर्यटन विकास के निमित्त 1 करोड़ 67 लाख की लागत से बाउंड्री वॉल एवं गेट निर्माण, 80 लाख की लागत से जनसा में बहुउद्देशीय बीज भंडार और तकनीक डिसेमिनेशन सेंटर का निर्माण पूर्ण। माननीय मुख्यमंत्री जी एवं शासन के सतत अनुश्रवण से सभी परियोजनाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित कराई जा रही है। काशी के विकास को गति देने वाली जिन परियोजनाओं का शिलान्यास हो रहा है उन पर एक नज़र। स्मार्ट सिटी वाराणसी में 128 करोड़ 4 लाख की लागत से उन्नत सर्वेलांस प्रणाली की निर्माण योजना, 126 करोड़ 25 लाख की लागत से बेनियाबाग में पार्किंग, बहुउद्देशीय पार्कों का निर्माण एवं खिड़किया घाट में नौकाओं हेतु CNG स्टेशन के साथ ही बेहतर पर्यटन की कार्य योजना, 37 करोड़ 82 लाख की लागत से पुरानी काशी के 3 वार्ड की पुनर्विकास योजना, 23 करोड़ 46 लाख की लागत से दशाश्वमेघ घाट पर पर्यटक सुविधा एवं बाजार के निर्माण की योजना, 22 करोड़ 90 लाख की लागत से वाराणसी में केंद्रीय वित्त आयोग एवं अवस्थापना निधि से वित्त पोषित 18 सड़क निर्माण योजना, 34वीं वाहिनी PAC के लिए बैरक निर्माण की योजना जिसकी लागत 20 करोड़ 4 लाख रुपए है, औद्योगिक क्षेत्र चांदपुर महेशपुर में 10 करोड़ 84 लाख की लागत से आंतरिक मार्गों एवं नालियों की सुदृढ़ीकरण योजना, गंगा प्रदूषण नियंत्रण के तहत 10 करोड़ 62 लाख की लागत से गंगा में गिरने वाले शाही नाले को टैप कर दीनापुर STP में ट्रीटमेंट की कार्य योजना, पद्म विभूषण गिरिजा देवी सांस्कृतिक संकुल में 6 करोड़ 30 लाख की लागत से हॉल के उच्चीकरण की योजना, 4 करोड़ 90 लाख की लागत से विभिन्न स्थानों पर पर्यटन विकास की कार्य योजना, 2 करोड़ 94 लाख की लागत से सेवापुरी में 11 गाँव की सड़कों की नव निर्माण योजना। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काशी विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर है। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वो बटन दबाकर सभी परियोजनाओं का डिजिटल लोकार्पण व शिलान्यास करने की कृपा करें। प्रधानमंत्री जी के निर्देशों के अनुसार जिले के 3 नागरिकों से माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा सीधे संवाद किया जाएगा। सर्वप्रथम मैं संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम सिगड़ा में सुश्री प्रशांति सिंह, जो कि अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल की खिलाड़ी हैं तथा अर्जुन पुरस्कार एवं पद्मश्री से भी सम्मानित हैं,
उस संवाद हेतु आमंत्रित करता हूं। सुश्री प्रशांत सिंह। प्रशांति जी नमस्कार। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारे काशी के चहेते सांसद, इस समय तो आप लोग दिवाली की तैयारियों में लगे होंगे। मैं पहले तो दिवाली की आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। क्या बनारस में भी दिवाली का माहौल बन चुका है कि अभी भी आप लोग खेलकूद में ही व्यस्त हैं? खेलकूद में व्यस्त हम लोग दिवाली की मॉर्निंग तक ही रहते हैं, सुबह तक भी हम लोग खेलकूद में व्यस्त रहते हैं। वो हमारा काम है, वो कभी नहीं रुकता। और दिवाली की शाम भी हमारी ग्राउंड पे जरूर होती है, आधे घंटे के लिए सारे प्लेयर इकट्ठा होते हैं, ग्राउंड पे जरूर सेलिब्रेट करते हैं दिवाली। प्रशांति जी, आप तो बास्केटबॉल की अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रही हैं, कई बड़े अवार्ड जीत करके आपने बनारस का नाम भी बढ़ाया है। अभी बनारस के स्टेडियमों में क्या खेलकूद चल रहा है कि कोरोना के कारण खाली हैं सारे? कौन से खेलों पर जरा ज्यादा बल दिया जा रहा है? क्या माहौल है खेलकूद का? पहले बंद हुआ था, पर अभी जो रेगुलर प्रोटोकॉल है उसको ध्यान में रखते हुए एक्टिविटीज ऑन हो चुकी हैं। और कोरोना काल का इन्होंने अपॉर्चुनिटी का फायदा भी उठाया कि जो मेरे पीछे जो ये भवन है, चेंजिंग रूम, इसको तैयार कर दिया। वो बहुत अच्छी चीज़ हुई कि चलिए हम कुछ दिन के लिए घर बैठे, तो इन्होंने हमारा ध्यान रखा और ये चेंजिंग रूम जो बन गया है। पहले इसी सीढ़ियों पे हम लोग लंच और टिफिन करते थे घर से ला करके, क्योंकि अंदर कुछ रूम ही नहीं थे। तो ये हो गया और 56 बेड वाला एक हॉस्टल बन गया। तो एक सुविधा हो गई कि जो धर्मशालाओं में रुकवाना पड़ता था और अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि हम लोग जब पूर्वांचल से और काशी से कहीं बाहर खेलने जाते थे तो हमें तो अच्छी सुविधा मिलती थी, पर हमारे यहाँ कोई आता था तो इट इज़ वो बहुत एम्बेरसिंग होता था। तो अब राज्य स्तर पर प्रतियोगिताओं के लिए हम तैयार हैं और मुझे ऐसी आशा है कि हम जल्दी ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए भी तैयार हो जाएंगे। चलिए, आपकी बहुत लंबे अरसे की जो रिक्वायरमेंट थी, और कभी कभी स्टेडियम तो बन जाते हैं लेकिन खिलाड़ियों के लिए जो व्यवस्थाएं चाहिए उसकी प्रायोरिटी जरा पीछे हो जाती है। मैं कभी कभी कहता हूं कि आफत को हमें अवसर में पलटना चाहिए। काशीवासियों ने आफत के समय को एक अवसर में पलटा और ये चेंजिंग रूम, आवासीय भवन ये सब बना दिया, और मुझे विश्वास है कि इसके कारण खिलाड़ियों को तो बहुत लाभ होगा ही होगा। और एक प्रकार से ईज ऑफ स्पोर्टिंग इसका एक अवसर बनाएगा। इसका लाभ अभी क्या लगता है आपके खेल जगत के साथियों में, इसकी चर्चा हो रही है? जी बिल्कुल चर्चा हो रही है, और एक ऐसी हम लोग की सोच है और ऐसा हम लोग सोच रहे हैं कि सारे देश में आपकी एक बड़ी मतलब एक बड़ी परियोजना जो है कि खेलो इंडिया, उसके तहत जो NCOE खुल रही है, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खुल रहे हैं, तो एक बनारस में भी ज़रूर खुल जाए, क्योंकि सारे देश में खुल रहा है तो काशी क्यों पीछे रहे भाई। तो हमारे पास भी एक खुल जाए तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। तो हम अभी राज्य स्तर के लिए तैयार हो चुके हैं, तो हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल के लिए भी तैयार हो जाएंगे, ऐसी मेरी आशा है और ऐसा मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट भी है। चलिए, आपने मांग ही लिया। देखिए, अच्छा है, आपको स्पोर्ट्स की आवश्यकताएं सरकारी बाबू बैठकर के कोई योजना करे उससे ज़्यादा, जब स्पोर्ट्स से जुड़े हुए खिलाड़ी, कोचिज ये जो सुझाव देते हैं उससे जो चीज़ें बनती हैं वो सच्चे अर्थ में काम आती है। और आपने देखा होगा कि मैं लगातार खेल जगत से जुड़े लोगों से उनके अनुभव सुनता रहता हूं, उनकी जानकारियां लेता रहता हूं, और फिर उनको कहीं कहीं ढालने की कोशिश भी करता हूं। लेकिन आपने जो सुझाव दिया है उस पर जरूर शासन भी विचार करेगा, और खेल जगत में बनारस हर प्रकार से प्रगति करे। बनारस की युवा पीढ़ी के जहन के अंदर खेल, और जब खेल होता है, स्पोर्ट्स होता है, तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी होता है, और वो स्पिरिट जो है वो बहुत बड़ी ताकत होता है। चलिए प्रशांति जी, मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं और आने वाले त्योहारों की आपको, आपके परिवार को और खेल जगत के सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।
श्रीमती नीलिमा मेहता जो एक ऋणी हैं, और इन्हें मेहंदी लगाने, नृत्य संगीत और डांडिया का शौक है, को सम्मान हेतु अनुरोध करता हूं। जय काशी कोतवाल। नीलिमा जी कैसी हैं आप? सर बहुत अच्छे। सर एक रिक्वेस्ट है आपसे, सर प्लीज मुझे नीलिमा मेहता जी मत कहिए, मुझे नीलिमा से ही बुलाइए। ऐसा है, मेरी मेरे संस्कार भी बने रहने चाहिए, मेरी आदत भी बनी रहनी चाहिए। काल भैरव की गलियों से आपके बड़ा साफ सुथरा तो दिख रहा है मुझे आज ये छोटी सी गली, लेकिन दिवाली की रौनक आई है नहीं आई है? सुनाई दे रहा है नीलामी जी? नीलिमा जी आपको सुनाई दे रहा है? शायद मुझे लगता है कि डिस्कनेक्ट हुआ है। चलिए कहीं और चलते हैं फिर आगे। अभी क्रम में मैं चांदपुर महेशपुर इंडस्ट्रियल एरिया में श्री विपुल कुमार अग्रवाल जो वाराणसी के प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं तथा कृषि संबंधी सामग्री का निर्माण करते हैं को समाधि तो आमंत्रित करता हूं। विपिन जी नमस्ते। माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार। मैं 153 इकाइयों की ओर से आपको सादर प्रणाम करता हूं। मैं औद्योगिक आस्थान चांदपुर वाराणसी से बोल रहा हूं। यहां पर 60 एकड़ में 153 यूनिट्स हैं। हमारी 10 यूनिट्स इस प्रकार की हैं जो कि पूरी तरह से एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हैं। इनका प्रतिष्ठित यूनिट्स का देश विदेश में अपनी स्थापित यूनिट्स हैं, और इस कारण बायर्स भी हमारे यहाँ आते हैं। परंतु हमारी उस समय स्थिति ऐसी हो जाती है, मोर जैसी हो जाती है कि वो सुंदरता बिखेरता है, प्रसन्नता व्यक्त करता है, परंतु जब वो पैर की ओर देखता है तो वो उदास हो जाता है। तो इस कारण जो हमारी सड़कों की स्थिति थी, और हमारी एसोसिएशन के माध्यम से हम प्रशासन को और उस समय वर्तमान सरकारों को बताते थे, परंतु बहुत ध्यान नहीं दिया गया। इस कारण से सारी पूर्णता के बावजूद हम लोग अपने बायर्स को बुलाने में यहाँ पर डरते थे कि वो हमारी जो स्थिति है वहाँ से वाकिफ होंगे और फिर वो हमारे लिए उचित स्थिति नहीं रहेगी। परंतु जब वर्तमान सरकार आई, उनके संज्ञान में डाला गया, अधिकारियों ने सहयोग किया, तो 10,83,00,000 रुपया हमें सैंक्शन हुए हैं, और उसके साथ साथ ही कार्य भी शुरू हो गया है। मैं कार्य स्थल से ही भी बोल रहा हूँ, और अभी सड़क भी आप देख रहे होंगे कि सड़क पहले से टूटी फूटी थी, अब कार्य शुरू हो गया है। आपने औद्योगिक आसन चांदपुर के चारों तरफ, यहाँ मनवाड़ी रेलवे स्टेशन मात्र 1.5 किलोमीटर दूर है, जहाँ पर आपने नवीनीकरण कराया, प्रमुख रेल गाड़ियों को यहाँ से संचालन कराया, और लहरतारा ओवर ब्रिज से लेकर के और चौका घाट तक, जो कि हमारे औद्योगिक आस्थान के लिए कई गाड़ियाँ ट्रक्स वगैरह नहीं आ पाते थे, वहाँ कराया। मड़वाडी जो रेलवे स्टेशन ओवर ब्रिज पर जो कार्यक्रम हुआ है, तो सुविधा उद्यमियों को हो गई है। इस कारण हम उद्यमी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। विपिन जी जी भाई, ये बात तो आपने कहा कि सरकार ये कर रही है, सरकार वो कर रही है, करना भी चाहिए, और अब तक नहीं हुआ उसका कारण जो नुकसान हुआ है वो भी हम समझ सकते हैं। लेकिन मैं स्वयं ऐसे छोटे छोटे औद्योगिक इकाइयों में कई बार जा चुका हूँ, मेरे मन में हमेशा एक शिकायत रहती है, जो औद्योगिक इकाई होती है उसके अंदर जो मालिक या मैनेजर बैठते हैं उसकी चैम्बर तो बहुत बढ़िया होती है, लेकिन बाकी वहाँ देखिए अपने जो कारीगर काम करते हैं उनके खाने के लिए जगह, उनके टॉयलेट, और मान लीजिए 25-30 छोटी छोटी इंडस्ट्री हैं तो बाहर की सफाई, थोड़ी उसकी रौनक, इसके प्रति एक संगठित प्रयास करें तो कोई ज़्यादा खर्चा नहीं होता है, क्योंकि आप ही की अमानत है। बाहर के लोग जब आते हैं, जब अंदर प्रवेश करते हैं
और वो एनवायरनमेंट देखते हैं तो बड़ा ही मन को क्षोभ होता है। और मैं मानता हूं कि आप लोगों ने, विपिन जी आप तो बड़े जागरूक नागरिक हैं, आपने इस प्रकार से चिंताएं भी की हैं, एक परिसर की पूरी यानी एक प्रकार का ऐसा एनवायरनमेंट, यानी आपके कारीगर को भी घर जाने का मन न करे, उसको लगे कि नहीं नहीं भाई 6 बज गए हैं जाना है, लेकिन ऐसा करो आधा पौना घंटा बैठते हैं जरा, यहां अच्छा माहौल है, ये स्थिति हमारी बनती नहीं है। ये मुझे लगता है कि ऐसे छोटे छोटे एसोसिएशन ने कुछ न कुछ सोचना चाहिए। देखिए दिवाली और त्योहारों को लेकर जरा अब तो व्यापार उद्योग में भी लोगों का ध्यान गया होगा, कोरोना का भय भी काफी मात्रा में कम हुआ है, सजगता तो बनाए रखनी पड़ेगी, लेकिन क्या लॉकडाउन के बाद में कुछ सुधार की दिशा में क्या लग रहा है काशी में? पहले तो मैं स्वच्छता के विषय में बताता हूं कि औद्योगिक आस्थान सहकारी समिति लिमिटेड, जो कि उद्योग विभाग एवं उद्यमियों के सहयोग से बनी है और लगातार स्वच्छता पर ध्यान देती है, वृक्षारोपण हमारे यहाँ मैं समझता हूँ नोएडा के बाद दूसरी स्थिति होगी, जो कि जिस प्रकार का हमारे यहाँ वृक्षारोपण हुआ है कि यहाँ पर शांतिपूर्ण वातावरण रहता है। ये कमी जो थी वो आपके द्वारा पूरी हो रही है। कोरोना काल में भी हमें लॉक इन के पश्चात भी कई प्रकार के समय की प्रतिबद्धता थी, परंतु हमारी यूनिट्स चलने में स्थानीय प्रशासन ने बहुत सहयोग किया, हमें ऑनलाइन पास इशू किए, इस कारण से हमारे उद्योग चलते रहे। एक कठिनाई आ रही थी कि हमारा टर्नओवर, कैश फ्लो या लेन देन एक तरह से बिल्कुल समाप्त हो गया था, किसी के पास पैसा देने के लिए नहीं रह गया था, इस कारण से हमारे उद्योग प्रभावित हो रहे थे, हम कच्चा माल परचेज नहीं करने की स्थिति में थे। परंतु जब आपकी स्कीम सीसी लिमिट्स को बढ़ाने की आई तो उसने संजीवनी का कार्य किया और एक तरह से जो जाम पहिया था वो पहिया एक बार चालू हो गया, तो उसके बाद से अब स्थिति इस प्रकार की है कि हम सामान्य स्थिति में आ गए हैं और कार्यक्रम उसी प्रकार से अब चालू चल रहे हैं। अब कोरोना का कोई डर भय कुछ नहीं है, परंतु हम लोग मास्क और सैनिटाइजेशन जो भी आप हमें निर्देश दिए हैं उसका पूरा पूरा पालन करते हैं, क्योंकि हम आपको वाराणसी का अभिभावक मानते हैं, आप जैसा निर्देश देते हैं वैसा पालन करते हैं। आप लोगों ने, प्रदेश सरकार ने, राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने उद्योगों के लिए, वाराणसी के लिए बहुत किया है, अब हमारी बारी है और हम कोशिश करेंगे कि आत्मनिर्भरता के लिए जो भी प्रोडक्ट्स हम लोग बना सकते हैं विदेशों से भी निर्भरता समाप्त करके, दिवाली पर हम कम आकर्षक झालर इस्तेमाल करेंगे परंतु विदेशी झालर को इस्तेमाल नहीं करेंगे, ऐसा काशी में 3-4 वर्षों से विभिन्न संगठनों के द्वारा प्रयास चल रहा है, इस बार और पुरजोर से ये कार्यक्रम चलेगा, निश्चित रूप से हम आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ेंगे। चलिए विपिन जी आपकी बातें सुनकर के बहुत अच्छा लगा, और मैं तो क्या अभिभावक हो सकता हूँ, काशी का हर बेटा बेटी काशी के सच्चे अभिभावक है, आज काशी जो भी है काशीवासियों के कारण है। मेरा तो सौभाग्य है कि ऐसी एक पवित्र नगरी में आप लोगों के बीच कुछ न कुछ काम करने का अवसर मिला, कुछ सीखने का अवसर मिला, तो मैं तो काशी का एक प्रकार से जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। फिर एक बार विपिन जी मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। क्या नीलिमा जी यहां फिर से कनेक्टिविटी हुई क्या? धन्यवाद, नमस्कार। हाँ बताइए नीलिमा जी। सर प्लीज नीलिमा जी कहते हैं। नीलिमा बताइए। मैं नीलिमा मेहता वार्ड 85 काल भैरव की तरफ से आपको प्रणाम, जय कृष्णा करती हूँ। ये गली तो बड़ी साफ सुथरी आज दिख रही है, वो आज ही है कि हमेशा होती है? सर ये आपकी देन है। नहीं नहीं मेरी क्या देन है जी, नहीं ये मार्ग, देखिए साफ सुथरा तो नागरिकों की मदद के बिना संभव ही नहीं होता है। अगर ये साफ सुथरा दिख रहा है इतना, ऐसा लगता है वहीं बैठ करके खाना भी खा सकते हैं, इतना काशी की गली इतनी साफ सुथरी हो, ये देख करके इतना मन को आनंद हो रहा है जी,
क्योंकि यही काशी के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ विषय है। काशी लोग देखने आते हैं, काशी से कई प्रेरणा लेने आते हैं, और जब काशी के एक एक गली एक एक कण को लोग पवित्र मानते हैं, और आपने जिस प्रकार से रौनक बनाई है, तो मैं तो आपके इस इलाके के सभी लोगों को बधाई देता हूं। और दिवाली के कारण वहां तो अब तो जो मेरा एक प्रयास चला है रोशनी का, लाइट पहुंचाने का, क्या आपकी गलियों तक पहुंचा क्या? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये स्मार्ट सिटी के अंतर्गत ही आया है। हाँ। ये इलेक्ट्रिक है, वाटर सप्लाई है, सीवर लाइन है, और ये चौके जो पीछे हैं वो, और पेंटिंग का काम, ये हाँ। सारे स्मार्ट सिटी के अंतर्गत शुरू हो चुके हैं। क्या उसका प्रभाव क्या है, जब शाम को ये नई रोशनी वगैरह होती है तो क्या प्रभाव है? शाम को लगता है कि एकदम मजा आ गया, मस्ती आ गई, ऐसा फील होता है। और जो पानी की बहुत समस्या थी स्पेशली कि मतलब जो गली है उसमें बहुत दिक्कत थी, हालांकि मेरे मोहल्ले में भी बहुत चीज थी, लेकिन ये स्मार्ट सिटी के अंदर का जो कार्य हुए हैं वो समझ लीजिए द बेस्ट, मजा आ गया। पानी तो मतलब बहुत ही सुंदर, और ये सिविल लाइन जो बार बार हर टाइम चोक हो जाते थे, फिलिंग वो ऊपर आती थी, गंदगियां ऊपर आती थी, वो सबसे निजात मिला है। और ये जो चौके बिछे हैं वो एक तो बनारस गलियों का शहर है, ठीक, फिर उसके बाद यहाँ चूहे ये मतलब अपना काम पूरा करते हैं, तो ये जो चौके बिछे हुए हैं वे पूरे सिरमेंटेड होने के बाद इस पे चौके बिछे हैं, जो कि मतलब देखने में आप देख ही रहे हैं कि ये हो चुके हैं का, इतने सुंदर है, मन तो ऐसा करता है कि घर की गली के बाहर निकल के झाड़ू खुद लगा रहे, ऐसा होता है। बहुत बढ़िया बताया आपने। चलिए, मेरी काशीवासियों के साथ आज मुझे बातचीत करने का मौका मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। सर धन्यवाद, मुझे भी कहना है कि आपके मार्गदर्शन से और ये इस प्रोजेक्ट पे जो टीम वर्क काम कर रही है, और मेरे सभासद के बहुत बहुत धन्यवाद, जिसकी वजह से मतलब एटलीस्ट वो मेरे मोहल्ले में आते थे तो मेरी परेशानी, मतलब मेरी पर्टिकुलर नहीं, मेरे मोहल्लों की जो लोगों की परेशानी थी एटलीस्ट वो सुनते थे, और उस पर एक ही दो दिन में वो तुरंत वर्क करते थे। इसलिए मैं काशीवासी की तरफ से, पूरे वार्ड 85 की तरफ से मैं आपको धन्यवाद और पूरी टीम को धन्यवाद करती हूँ। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अत्यंत आदरपूर्वक माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि वो अपना आशीर्वचन देने की कृपा करें। अभी आप सभी साथियों से मुझे बात करने का मौका मिला, जरा मुझे अच्छा लगा, और शहर में विकास के जो काम हो रहे हैं, जो निर्णय सरकार ने लिए हैं, उनका लाभ बनारस के लोगों को भी हो रहा है, और ये सब कुछ हो रहा है तो इसके पीछे बाबा विश्वनाथ का ही आशीर्वाद है। और इसलिए जब मैं आज भले वर्चुअली यहाँ आया हूँ, लेकिन जो हमारे काशी की परंपरा है उस परंपरा को निभाए बिना ना हम आगे जा सकते हैं, और इसलिए अभी जो भी मेरे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं हम सभी एक साथ बोलेंगे हर हर महादेव। धनतेरस, दीपावली, अन्नकूट, गोवर्धन पूजा और डाला छठक, आप सब लोगन के बहुत बधाई हो। माता अन्नपूर्णा, आप सबके धन धान्य से समृद्ध करें। हमार कामना हो कि बाजारन में रौनक और बढ़े, मेरी काशी की गलियां गुलजार हो, और बनारसी साड़ियों का कारोबार भी चमके। कोरोना से लड़ते हुए भी हमारा किसान भाई खेती पर खूब ध्यान दिलन, बनारस ही नहीं पूरे पूर्वांचल में यह बार अगहनी फसल अच्छी हो, इसकी खबर मितल हो। किसान का परिश्रम स्वतः के लिए नहीं बल्कि
पूरे देश के काम आवेला। आप अन्य देवता लोगन का बहुत अभिनंदन हो। कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़े उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, यूपी सरकार के मंत्रीगण, विधायकगण, बनारस के सभी चुने हुए जनप्रतिनिधिगण, बनारस के मेरे प्यारे भाई और बहनों, महादेव के आशीर्वाद से काशी कभी थमती नहीं है। मां गंगा की तरह निरंतर आगे बढ़ती रहती है। कोरोना के कठिन काल में भी काशी अपने इसी स्वरूप में आगे बढ़ती रही। कोरोना के खिलाफ बनारस ने जिस जीवटता से लड़ाई लड़ी है, इस मुश्किल समय में जिस सामाजिक एकजुटता का परिचय दिया है, वो सचमुच में बहुत ही प्रशंसनीय है। अब आज इसी कड़ी में बनारस के विकास से जुड़े हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है। वैसे ये भी महादेव का आशीर्वाद ही है, जब भी काशी के लिए कुछ नए कार्यों की शुरुआत होती है, पुराने कई संकल्प सिद्ध हो चुके होते हैं। यानी एक तरफ शिलान्यास तो दूसरी तरफ लोकार्पण। आज भी लगभग 220 करोड़ रुपए की 16 योजनाओं के लोकार्पण के साथ साथ करीब 400 करोड़ रुपए की 14 योजनाओं पर काम शुरू हुआ है। मैं सभी विकास कार्यों के लिए बनारस के लोगों को बहुत बधाई देता हूं। काशी में, उत्तर प्रदेश में बिना रुके बिना थके चल रहे इन विकास कार्यों का श्रेय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी को और उनकी पूरी टीम को, मंत्रिपरिषद के सदस्यों को, चुने हुए जनप्रतिनिधियों को, सरकारी मशीनरी से साथ जुड़े हुए सभी मुलाजिम को, इन सबको इस सफलता के लिए पूरा का पूरा श्रेय जाता है। योगी जी और उनकी टीम को जनसेवा के इस एक निष्ठ प्रयासों के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। साथियों, बनारस में शहर व देहात के इस विकास योजना में पर्यटन भी हो, संस्कृति भी और सड़क बिजली पानी भी, हरदम प्रयास यही होला कि आपन काशी के हर शख्स के भावनाओं के अनुरूप ही विकास का पहिया आगे बढ़े। इसलिए ये विकास आज अपने आप में इस बात का उदाहरण है कि बनारस कैसे एक साथ हर क्षेत्र में, हर दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मां गंगा की स्वच्छता से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं तक, रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर पर्यटन तक, बिजली से लेकर युवाओं के लिए खेलकूद तक,
और किसान से लेकर गांव गरीब तक हर क्षेत्र में बनारस विकास की नई गति प्राप्त किए हुए है। आज गंगा एक्शन प्लान प्रोजेक्ट के तहत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के रिनोवेशन का काम पूरा हो चुका है। साथ ही शाही नाला से अतिरिक्त सीवेज गंगा में गिरने से रोकने के लिए डायवर्जन लाइन का शिलान्यास भी कर दिया गया है। 35 करोड़ से अधिक की लागत से खिड़किया घाट को भी सजाया संवारा जा रहा है। यहां सीएनजी से नाव भी चलेगी, जिससे गंगा में प्रदूषण भी कम होगा। इसी तरह दशाश्वमेघ घाट पर टूरिस्ट प्लाजा भी आने वाले दिनों में पर्यटकों की सुविधा और आकर्षण का केंद्र बनेगा। इससे घाट की सुंदरता भी बढ़ेगी, व्यवस्था भी बढ़ेगी। जो स्थानीय छोटे छोटे व्यापार हैं, ये प्लाजा बनने से उनकी भी सुविधा और ग्राहक बढ़ेंगे। साथियों, मां गंगा को लेकर ये प्रयास, ये प्रतिबद्धता काशी का संकल्प भी है और काशी के लिए नई संभावनाओं का रास्ता भी यही है। धीरे धीरे यहां के घाटों की तस्वीर बदल रही है। कोरोना का प्रभाव कम होने पर जब पर्यटकों की संख्या और बढ़ेगी तो वो बनारस की और सुंदर छवि लेकर यहां से जाएंगे। गंगा घाटों की स्वच्छता और सुंदरीकरण के साथ साथ सारनाथ भी नए रंग रूप में निखर रहा है। आज जिस लाइट एंड साउंड प्रोग्राम का लोकार्पण किया गया है, उससे सारनाथ की भव्यता और अधिक बढ़ जाएगी। भाइयों और बहनों, काशी की एक बड़ी समस्या यहां लटकते हुए बिजली के तारों के जाल की रही है। आज काशी का बड़ा क्षेत्र बिजली के तारों के जाल से भी मुक्त हो रहा है। तारों को अंडरग्राउंड करने का एक और चरण आज पूरा हो चुका है। कैंट स्टेशन से लहुराबीर, भोजूबीर से महावीर मंदिर, कचहरी चौराहा से भोजूबीर तिराहा, ऐसे 7 रूट्स पर भी बिजली के तारों से अब छुटकारा मिल गया है। इतना ही नहीं, स्मार्ट एलईडी लाइट से गलियों में रोशनी और सुंदरता भी फैलेगी। साथियों, बनारस की कनेक्टिविटी हमेशा से हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। काशी वासियों का और काशी आने वाले हर पर्यटक, हर श्रद्धालु का समय सड़क जाम में न व्यर्थ हो, इसके लिए नए इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जा रहा है। बनारस में आज एयरपोर्ट पर सुविधाएं बढ़ रही हैं। बाबतपुर से शहर को कनेक्ट करने वाली सड़क भी अब बनारस की नई पहचान बनी है। आज एयरपोर्ट पर 2 पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिज, उसका लोकार्पण होने के बाद इन सुविधाओं को और विस्तार होगा।
ये विस्तार इसलिए भी जरूरी है क्योंकि 6 वर्ष पहले यानी आपने मुझे आपकी सेवा करने का अवसर दिया, उसके पहले बनारस में हर दिन 12 फ्लाइट चलती थी, आज इससे 4 गुना यानी 48 फ्लाइट चलती हैं, 48 फ्लाइट्स, यानी बनारस में सुविधाएं बढ़ती देख बनारस आने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। भाइयों और बहनों, बनारस में तैयार हो रहा आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर यहां रहने वाले और यहां आने वाले दोनों ही तरह के लोगों का जीवन आसान बना रहे हैं। एयरपोर्ट से जुड़ी कनेक्टिविटी के साथ साथ रिंग रोड हो, महमूरगंज मंडूवाड़ी फ्लाई ओवर हो, NH 56 का चौड़ीकरण हो, बनारस आज रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का भी कायाकल्प होते देख रहा है। शहर के भीतर और आसपास के इलाकों में भी सड़कों की तस्वीर बदली है। आज भी वाराणसी के अलग अलग क्षेत्रों के लिए सड़क निर्माण कार्यों का काम शुरू हुआ है। नेशनल हाईवे, फुलवरिया लहरतारा मार्ग, वरुणा नदी और 3 पुल और कई सड़कों का निर्माण, ऐसे कितने ही काम हैं जो आने वाले समय में बहुत जल्दी पूरे होने वाले हैं। रोडवेज के इस नेटवर्क के साथ साथ बनारस अब वाटरवेज की कनेक्टिविटी में भी एक मॉडल बन रहा है। हमारे बनारस में आज देश का पहला इनलैंड वाटरपोर्ट बन चुका है। भाइयों और बहनों, बीते 6 सालों से बनारस में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी अभूतपूर्व काम हुआ है, और मैं कह सकता हूं अभूतपूर्व काम हुआ है। आज काशी यूपी ही नहीं बल्कि एक तरह से पूरे पूर्वांचल के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं का हब बनता जा रहा है। आज रामनगर में लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल के मॉडर्नाइजेशन से जुड़े कामों के लोकार्पण से काशी की इस भूमिका का विस्तार हुआ है। रामनगर के अस्पताल में अब मैकेनाइज्ड लॉन्ड्रीज, व्यवस्थित रजिस्ट्रेशन काउंटर और कर्मचारियों के लिए आवासीय परिसर जैसी सुविधाएं उपलब्ध होगी। होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल और पंडित महामना मालवीय कैंसर हॉस्पिटल जैसे बड़े कैंसर इंस्टीट्यूट यहां पहले से ही सेवाएं दे रहे हैं। इसी तरह ESIC अस्पताल और BHU सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की भी यहां गरीब से गरीब साथियों को, गर्भवती महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दे रहे हैं। साथियों, बनारस में आज जो ये चौतरफा विकास हो रहा है, हर सेक्टर में विकास हो रहा है, उसका पूर्वांचल सहित पूरे पूर्वी भारत को लाभ हो रहा है। अब पूर्वांचल के लोगों को छोटी छोटी जरूरतों के लिए दिल्ली और मुंबई के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। बनारस और पूर्वांचल के किसानों के लिए तो स्टोरेज से लेकर ट्रांसपोर्ट तक की अनेक सुविधाएं बीते सालों में यहां तैयार की गई है। इंटरनेशनल राइस इंस्टीट्यूट का सेंटर हो, मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट हो, पेरिशेबल कार्गो सेंटर का निर्माण हो, ऐसी अनेक सुविधाओं से यहां के किसानों को बहुत लाभ हो रहा है। ये भी हमारे लिए गर्व की बात है
कि इस साल पहली बार वाराणसी क्षेत्र से फल, सब्जी और धान को विदेश के लिए निर्यात किया गया है। किसानों के लिए बनी स्टोरेज सुविधाओं को विस्तार देते हुए आज कपसेठी में 100 मेट्रिक टन स्टोरेज क्षमता वाले गोदाम का लोकार्पण भी किया गया है। इसके अलावा जनसा में भी मल्टीपर्पज बीज गोदाम और डिसेमिनेशन सेंटर बनाया गया है। भाइयों और बहनों, गांव, गरीब और किसान आत्मनिर्भर भारत अभियान के सबसे बड़े स्तंभ भी हैं और सबसे बड़े लाभार्थी भी हैं। हाल में जो कृषि सुधार हुए हैं उनसे किसानों को सीधा लाभ होने वाला है। बाजार से उनकी सीधी कनेक्टिविटी सुनिश्चित होने वाली है। किसानों के नाम पर किसानों की मेहनत को हड़प जाने वाले बिचौलियों और दलालों को अब सिस्टम से बाहर किया जा रहा है। इसका सीधा लाभ उत्तर प्रदेश के, पूर्वांचल के, बनारस के हर किसान को होने वाला है। साथियों, किसान की तरह ही रेहड़ी पटरी ठेला चलाने वाले साथियों के लिए भी एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना शुरू की गई है। आज प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के जरिए रेहड़ी पटरी वाले भाइयों बहनों को आसान लोन मिल रहा है। कोरोना के कारण इनको जो दिक्कतें आई वो दूर हो सके, उनका काम फिर से शुरू हो सके, इसके लिए उन्हें 10,000 रुपये की लोन सहायता दी जा रही है। इसी तरह गांव में रहने वाले लोगों को गांव की जमीन, गांव के घर का कानूनी अधिकार देने के लिए स्वामित्व योजना शुरू की गई है। गांवों में घर मकान को लेकर जो विवाद होते थे, कभी कभी तो मारकाट हो जाती थी, कभी अगर गांव से शादी ब्याह में गए वापस आते थे तो कोई और बहस कब्जा कर लेता था, इन सारी समस्याओं से मुक्ति के लिए ये स्वामित्व योजना से, इस योजना से मिले प्रॉपर्टी कार्ड के बाद इस प्रकार की मुसीबतों की गुंजाइश नहीं रह जाएगी। अब गांव के घर या जमीन पर ये प्रॉपर्टी कार्ड आपके पास होने के कारण बैंक से ऋण मिलना भी आसान हो जाएगा। साथ ही जमीन पर अवैध कब्जेदारी का खेल भी खत्म हो जाएगा। पूर्वांचल को, बनारस को इन योजनाओं को बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। साथियों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, काश्याम ही काशते काशी, काशी सर्व प्रकाशिका, अर्थात काशी को काशी ही प्रकाशित करती है और काशी सभी को प्रकाशित करती है। इसलिए आज विकास का जो प्रकाश फैल रहा है, जो बदलाव हो रहा है, ये सब काशी और काशीवासियों के आशीर्वाद का ही परिणाम है। काशी के आशीर्वाद से ही साक्षात महादेव का आशीर्वाद है, और जब महादेव का आशीर्वाद है तो बड़े से बड़ा काम भी आसान हो जाता है। मुझे विश्वास है कि काशी के आशीर्वाद से विकास की ये गंगा ऐसे ही कल कल करती रहेगी, अविरल बहती रहेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को एक बार फिर दीपावली,
गोवर्धन पूजा और भैया द्विज की हार्दिक बधाई। और मेरा आपसे एक आग्रह और भी है, आजकल आप देख रहे हैं लोकल के लिए वोकल, वोकल फॉर लोकल, इसके साथ ही लोकल फॉर दिवाली, इसके मंत्र को, इसकी गूंज चारों तरफ अब सुनाई देने लगी है। मेरा बनारस के लोगों से भी और देशवासियों से भी मेरा कहना है, लोकल फॉर दिवाली को खूब प्रमोट करें, खूब प्रचार करें। कितने शानदार है, किस तरह हमारी पहचान है, तो ये बातें दूर दूर तक जाएगी। इससे स्थानीय पहचान तो मजबूत होगी ही, जो लोग इन सामानों को बनाते हैं उनकी दिवाली भी और रोशन हो जाएगी। इसलिए मैं देशवासियों को दिवाली की पूर्व बार बार आग्रह करता हूं कि हम लोकल के लिए आग्रही बने, हर कोई वोकल बने लोकल के लिए, दिवाली बनाएं लोकल के साथ। आप देखिए पूरी अर्थव्यवस्था में एक नई चेतना आ जाएगी, नई जान आ जाएगी। वो चीजें जिसमें मेरे देशवासी के पसीने की महक हो, जो चीजें मेरे देश के नौजवानों की बुद्धि शक्ति का परिचायक हो, वो चीजें जो मेरे देश के अनेक परिवारों को नए उमंग और उत्साह के साथ नए संकल्प लेकर के अपने कार्य का विस्तार करने की ताकत देती है, उन सब के लिए एक हिंदुस्तानी के नाते मेरे देशवासियों के प्रति मेरा कर्तव्य बनता है, मेरे देश की हर चीज के लिए मेरा कमिटमेंट बनता है। आइए इसी भावना के साथ लोकल के लिए वोकल बने, दिवाली लोकल से मनाएं। और सिर्फ दिए नहीं, वरना कुछ लोगों को तो लगता है लोकल मतलब दिया ले लो, नहीं भाई, हर चीज, हर चीज, कोई ऐसी चीज हो जो बिल्कुल हमारे देश में बनना संभव ही नहीं है, हम जरूर बाहर से लेना पड़ेगा। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आपके घर में बाहर से कोई चीज पहले लाई हुई है उसको फेंक दो, गंगा जी में बहा दो, जी नहीं, मैं ऐसे नहीं कहता। मैं इतना ही चाहता हूं मेरे देश के लोग जो पसीना बहा रहे हैं, मेरे देश के नौजवान जो अपनी बुद्धि शक्ति सामर्थ्य से कुछ न कुछ नए करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी उंगली पकड़ना हम सबका दायित्व बनता है, उनका हाथ पकड़ना हम सबका दायित्व बनता है, उनकी चीजें लेते हैं उनका हौसला बुलंद हो जाता है। आप देखिए देखते ही देखते विश्वास से भरा हुआ एक नया पूरा वर्ग तैयार हो जाएगा, जो हिंदुस्तान को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए एक नई शक्ति के रूप में जुड़ जाएगा। और इसलिए मैं आज फिर से एक बार मेरे काशीवासियों से जब बात कर रहा हूं, तब दिवाली की शुभकामनाओं के साथ साथ काशी से जब मैंने मांगा, जो मांगा काशी ने जी भर करके मुझे दिया है, खुले मन से दिया है। लेकिन मैंने मेरे लिए न कभी मांगा है न मुझे कुछ जरूरत रहे, ऐसा आपने कुछ बाकी ही नहीं रखा है। लेकिन मैं काशी के हर प्रोडक्ट के लिए, काशी में निर्माण होने वाली हर चीज के लिए गीत गाता हूं, गौरव करता हूं, घर घर बात पहुंचाने का प्रयास करता हूं। मेरे देश की हर चीज को यह मौका मिले, यही मेरा आग्रह है। फिर एक बार मैं काशीवासियों को नमन करते हुए, काशी विश्वनाथ जी के चरणों में सर झुकाते हुए, काल भैरव को नमन करते हुए, माता अन्नपूर्णा को प्रणाम करते हुए, आप सबको आने वाले सभी पर्वों की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं उत्तर प्रदेश शासन की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने अपने अत्यंत प्रेरणादायी आशीर्वचन से हमारा मार्गदर्शन किया तथा इस कार्यक्रम में अपना अमूल्य समय देकर काशीवासियों सहित सभी का उत्साह वर्धन किया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी तथा कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले समस्त महानुभावों, काशीवासियों व आयोजन में सहायक सभी जनों का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जय हिंद।